KitKat mana mana eh. KitKat. 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 Zoom zoom. Happy birthday to Shana. Happy birthday. Yes. Happy birthday. Iya, iya. आप लोग भी खा लीजिए. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ दीपिका एंड आई अपलोड हियर एवरी ऑल्टरनेट डे अबाउट होम मेकिंग, मॉमीज लाइफस्टाइल. और बहुत ही रैंडम सा ये व्लॉग होने वाला है, लाइक रैंडम सी ये क्लिप है. मैं अभी जा रही हूँ अद्वी को स्कूल से पिक करने के लिए. आई जस्ट फिनिश्ड वर्क और बस फटाफट उसको पिक करके घर चलते हैं. और ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो ना. आज मैं शुरू से सोच रही, लाइक सुबह से ही सोच रही थी कि आज मैं व्लॉग करूँगी. हालांकि जो मैंने लंच में बनाया था वो मैंने रिकॉर्ड तो किया, बट प्रॉपर ऐसा कुछ सुबह से व्लॉग हो नहीं पाया क्योंकि ईवी जो है वो बहुत जल्दी उठ गई थी आज सुबह. तो रूटीन फिर गड़बड़ा जाता है जब मैडम हमारी ऐसा कर देती हैं. और ना माइनस में टेम्परेचर है तो वॉक करते हुए थोड़ी सी सांस भी चढ़ रही है मुझे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है. फिर बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है इधर. वेल, चलिए अद्वी को स्कूल से पिक करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे शाम तक होता है आपके साथ शेयर करूँगी. और आज बहुत ही स्पेशल डे है इसीलिए मैंने बस जल्दबाजी में व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, अदरवाइज़ दिन निकल ही जाता, शुरुआत ही ना हो पाती. चलो इससे पहले कि बिल्कुल ठंड में मेरी हालत ख़राब हो जाए चलते हैं. बोलना बंद करती हूँ नहीं तो अस्थमा का पेशेंट कहीं यही ना अटैक आ. तो अद्वी जो है वो बता नहीं पा रही है कि आज क्या दिन है. बता दे शोना. आई डोंट नो. नो, थैंक. इट्स वेडनेसडे. इट्स वेडनेसडे. इट्स वेडनेसडे. या, दैट्स ट्रू. बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस? यू पिक्ड मी अप. इज इट स्पेशल? Is it special? Yes. तो अद्वी जो है ना वो सोचे जा रही है कि आज क्या स्पेशल है, तो उसको ध्यान नहीं है. You don't remember? No. No, I don't. Try to think. तो आप सभी को टाइम मशीन में बिठा के मैं ले आई हूँ सुबह के टाइम में जब मैंने लंच तैयार किया था. सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एडिटिंग. तो लंच जो है वो बहुत ही सिंपल सा था हमारा. नॉर्मली यही बनता है, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, वही चीज़ें होती हैं, वही सब्जियां होती हैं, वही दाल होती हैं. बस थोड़ा सा तरीका बदल देती हूँ उनको बनाने का, तो उससे उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. तो थोड़ी बहुत तैयारी मैंने पहले से कर ली थी और कुछ बस अब मैं साथ के साथ कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने दो बिग साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैं रफली चॉप करके इनकी मैं प्योरे बना लूँगी. इसको हम दाल के अंदर यूज़ करेंगे. साथ ही यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे आपको जुकीनी दिखाई दे रही होगी. अगर जुकीनी नहीं है तो इसके प्लेस पे आप लौकी भी ले सकते हैं. और इसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे. और पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि मैजिक बुलेट का आप हमें लिंक दें. तो मैजिक बुलेट जो है वो मैंने ईबे से ली थी और ऑलमोस्ट 7 या 8 साल पहले ली थी. तो मैं चेक करूँगी, अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी. बाकी जो ये ग्राइंडर मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ हेम्सवेन और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. सवाल आ जाते हैं तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो में भी उन चीज़ों के जवाब दे दूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कई बार कमेंट कर देते हैं बट जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो वो शायद उस रिप्लाई को नहीं पढ़ते हैं. खैर, वापस आ जाते हैं रेसिपी की तरफ. तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पे जुकीनी आपने देख ही ली थी, साथ ही यहाँ पे अनियन जो है इसको मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ तड़के के लिए. उधर आपको दाल भीगी हुई दिखाई दे रही होगी. तो यहाँ पे मैंने 3 लैडल भर के
अरहर की जो दाल होती है वो मैंने सोख कर दी थी। सोख करने से कुकिंग टाइम जो है वो कम रहता है। साथ ही यहाँ पे आलू और सेम जो है वो मैंने काट के रख दिए थे, तो आलू और सेम की सब्जी बनाऊंगी। हमारे यहाँ सेम ही बोलते हैं, यहाँ पर मैग्नेट आउट बोलते हैं। ऑल राइट, तो चलिए पहले यहाँ पे हम दाल बना लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा हींग डाला है, फिर मैंने राई ऐड कर दी है, और इसके बाद मैंने करी पत्ता डाला है जिसको मैंने हाथों से तोड़ दिया है। क्रश करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और लकीली मेरे पास इस बार फ्रेश करी पत्ता है। अदरवाइज मोस्टली रेसिपीज में आप मुझे देखते हैं कि मैं ड्राइड ही यूज़ करती हूँ, बट इस बार काफ़ी बड़ा बंच आ गया था और काफ़ी फ्रेश है अभी तक भी। इसके बाद बस प्याज डाल के इसको हम हल्का सा यहाँ पे भून लेंगे, ज़्यादा इसका रंग नहीं बदलेंगे, अदरवाइज़ फिर दाल का जो रंग है वो काला काला सा आता है, वो अच्छी नहीं लगती देखने में। इसके बाद जो नॉर्मल रूटीन के सूखे मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर, वो ऐड किया है। साथ ही टमाटर की जो प्योरे है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और हरी मिर्ची जो है वो मैं इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ईवी को भी मैं थोड़ा सा इसमें से ही खिलाने वाली हूँ। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब ऐड करी है, और साथ ही मैंने इसमें सांभर मसाला डाल दिया है। MTR का है मेरे पास, और ये भी थोड़ा सा तीखा होता है, तो इसीलिए मैंने कोई भी और चिली यूज़ नहीं करी है। जो रेड चिली मैं यूज़ करती हूँ वो कश्मीरी होती है, और उससे सिर्फ कलर आता है, उससे तीखापन नहीं आता है। देगी मिर्च जो होती है उससे तीखापन आ जाता है थोड़ा सा। और बस टमाटर हमारा जैसे ही भुनेगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जुकीनी और साथ ही सोख की हुई दाल, और हिसाब से इसके अंदर पानी डाल देंगे। जैसे कि मैंने 3 लीटर ली थी, तो यहाँ पे मैं लगभग 2.25 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। ये वाला जो प्रेशर कुकर है ये कम पानी लेता है, जो मेरा दूसरा हॉकिंस वाला एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर है वो पानी ज़्यादा लेता है, और वो दाल को कुछ ज़्यादा गला भी देता है। तो जिस दिन मुझे थोड़ी घुटी हुई दाल बनानी होती है तो फिर मैं वो वाला प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ, इसमें जो है वो खड़ा खड़ा बनता है सब कुछ। ओके, अब हमने इसके अंदर डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट। मेरे पास डेसिकेटेड था इसलिए डाला, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डालें। और ये वाली जो दाल है ये कुछ कुछ आपको सांभर वाला टेस्ट देगी, क्योंकि एक तो सांभर मसाला डाल दिया है, कोकोनट राई करी पत्ते का तड़का है, तो मेरे घर में इसको दाल सांभर बोला जाता है। बस ये है कि वेजिटेबल के नाम पे सिर्फ जुकीनी है इसके अंदर, और बस 2 से 3 विसल में ये डन हो जाती है। मीनवाइल यहाँ पे अब हम सब्जी बना के तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई ली है मैंने, इस कढ़ाई के बारे में भी सवाल आता है, तो ये कढ़ाई जो है इंडिया से ली थी, और ये बोरोसिल ब्रांड की है, और काफ़ी अच्छी निकली है, आप मुझे रेगुलर बेसिस पे देखते ही हैं इसको यूज़ करते हुए। तो चलिए सब्जी की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया था, इसमें थोड़ा सा हींग डाला है, फिर पंचफोरन मसाला, हरी मिर्चें डाली हैं, और साथ ही मैंने करी पत्ता ऐड कर दिया है। हल्का सा ही क्रैकल करना है, और इसके बाद हम इसके अंदर सब्जी ऐड कर देंगे। तो ये जो सेम होती है, सेम पापड़ी बोला जाता है, तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और आलू जो है उसको भी मैंने छोटा छोटा ही कट किया था। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, और साथ ही इसमें हल्दी डाल देंगे। तो ये सब्जी इतनी जल्दी तैयार होती है ना, एक तो बारीक कटी हुई होती है, और उसमें कुछ भूनने ऊनने का चक्कर नहीं है, ना इसमें प्याज जाती है ना टमाटर जाता है, तो यू नो 5-6 मिनट में सब्जी तैयार हो जाती है। अगर लंच बॉक्स में आप अपने बच्चों को सब्जी देते हैं सो दिस इज़ परफेक्ट, सुबह सुबह जो है वो बन जाती है फटाक से ये सब्जी, तो ट्राई ज़रूर करना। और जो पंचफोरन मसाला है ना वो इतना अच्छा टेस्ट देता है, बिल्कुल अचारी फ्लेवर आ जाता है। और पंचफोरन मसाला जिन लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक कर लें, ये 5 मसालों का एक मिक्स होता है जो बेसिकली अचार में डाले जाते हैं। और बस देखते ही देखते यहाँ पे जो आलू है हमारे वो अच्छे से गल गए हैं, और सेम को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इवन वो साथ ही गल जाती है। तो बस इसको जो है हम क्रंची से ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको घोटेंगे नहीं। और फाइनली अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया है तो वो ज़रूर डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये ड्राई कोरिएंडर है ये मैंने ऐड कर दिया था, बट इट इज़ मस्ट इन दिस रेसिपी, तो मैंने ड्राई डाल के ही वो फ्लेवर ले लिया। बट यस, आप फ्रेश जो है वो ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। तो बस सब्जी जो है हमारी यहाँ पर डन हो गई है, और दाल जो है हमारी वो भी तैयार
तैयार हो गई है। इसको बस अब खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इसका रंग आया है। तो दाल हमारी डन है, लेकिन इसके अंदर अभी खटास बाकी है, थोड़ा सा खट्टापन ऐड करना है। एक तो ये है कि उससे टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, दूसरा ये है कि जो तूर की दाल होती है अगर इसमें आप खटाई ऐड नहीं करेंगे तो इससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यू नो कुछ फूड कॉम्बिनेशन होते हैं तो किसी चीज़ के साथ कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़रूर ऐड करनी पड़ती है, तभी उसका फ्लेवर और साथ ही उसकी जो तासीर है वो बैलेंस होती है। तो यहाँ पर मैंने टैमरिंड का कंसनट्रेट मेरे पास रखा हुआ था, वो थोड़ा सा ऐड कर दिया है। आप अमचूर भी डाल सकते हैं, आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, तो जो भी हो आपके पास, बस ये है कि खटाई इसके अंदर ऐड करनी है और टमाटर से वो खटाई की तुलना ना करें। तो बस दाल भी तैयार हो गई है, सब्जी तैयार हो गई है और राइस जो है वो लंच टाइम पे ही फटाफट कुक हो जाते हैं, और रोटी जो है वो आज सुबह जब ब्रेकफास्ट मैंने बनाया था तभी मैंने बना के रख दी थी, तो मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने खाना बना दिया है, उसके बाद किचन जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और इसके बाद बस फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। और ईवी जो है वो यही है मेरे पास, उसको मैं सुबह ही रेडी कर देती हूँ और मोस्टली ऐसा होता है कि जब उसका नैप टाइम होता है तो उसको सुला के फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, हफ्ते दो हफ्ते में कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए जाना पड़ता है, अदरवाइज़ मोस्टली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। सो इट इज़ अ गुड थिंग कि हाँ सारी चीज़ें मैं देख लेती हूँ, बट एटलीस्ट ये होता है कि टाइम जो है वो स्ट्रिक्टली मुझे देना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो रिसाइकलिंग बिन में जानी थी, पहले मैं विंडो के बाहर रख देती थी बट हवा इतनी है बाहर कि ये उड़ के कहीं और ही चली जाती हैं, और किचन के अंदर नीचे रखूँ तो ईवी उठा के भाग जाती है। तो इधर जो है राइस मैंने बना दिए हैं क्योंकि मेरी एक मीटिंग आने वाली थी एंड आई वॉज लाइक कि नहीं मैं उस टाइम पे बना नहीं पाऊंगी, तो राइस भी मैंने बना दिए। और ये क्रिसमस के जो कप थे ये रखे हुए थे अभी तक भी बाहर, तो इनको बस अब मैं क्रॉकरी कैबिनेट में रख दूंगी। कहते हैं कि क्रिसमस का जो सामान है बस वो क्रिसमस तक ही यूज़ कर, उसके बाद नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं। तो कप जो है अभी अगले साल के लिए रखे गए। और ईवी जो है वो यहीं पर खेल रही थी, जब मैं कुकिंग करती हूँ तब भी मेरे पास ही रहती है, कभी बैठ के टीवी देख लेती है, बस ये कि बैकग्राउंड में टीवी जो है वो चलता ही रहता है। तो घर तो मेरा सारा क्लीन है, वो सारा काम सुबह ही हो जाता है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम लाइक 11:30 के करीब मैं साइन इन करती हूँ, तब अपना काम करना शुरू करती हूँ और उसी टाइम पर सारा स्केड्यूल आ जाता है कि क्या मीटिंग है, क्या क्या मुझे काम करना है। तो अगर मुझे उस टाइम पे कुछ लगता है तो मैं 15 मिनट का जो मेरा ब्रेक होता है वो मैं इनिशियली लेके और उस टाइम पे मैं वो काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, अगर मैंने कुछ नेक्स्ट ब्रेक के लिए छोड़ा हुआ है। होप मैं कन्वे कर पा रही हूँ। तो बस अब आ जाते हैं करंट टाइम में। तो अद्वी को स्कूल से लाने के बाद हम सब ने किया था लंच, और ये थी हमारी आज की लंच थाली, दाल सांभर जो बहुत ही टेस्टी बना था, साथ ही ये आलू सेम की सब्जी, दिस इज़ वेरी टेस्टी सब्जी, आप ट्राई ज़रूर करना। राइस है, रोटी है और हरी मिर्ची, तो इसका मतलब किसकी प्लेट, साहब की। और अब आ जाते हैं बस शाम के टाइम पे फटाफट, और यहाँ पे हमारा केक आ गया है 5 ईयर्स एनिवर्सरी या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और ये बिल्कुल अचानक से बना हुआ प्रोग्राम है, अदरवाइज़ कहीं से कहीं तक भी नहीं था कि कुछ करने वाले थे, क्योंकि आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था, बट स्टिल वी मैनेज्ड, अच्छे से हम सारे के सारे रेडी भी हो गए। और केक जो है बस मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रही थी, वर्चुअली आप लोग भी हमारे साथ इस सेरेमनी में शामिल हो जाइए। और ईवी इतना एक्साइटेड थी कि पूछो ना, बस उसका ये मन कर रहा था कि उसको छोड़ दो और वो किसी तरीके से बस इस केक को पूरा स्मैश कर दे, उसको अपना केक स्मैश याद आ रहा था बर्थडे वाला। तो किसी तरह से उसके हाथ पैर पकड़ के हमने जो है वो मैनेज किया और केक हमने कट किया, और बस खाने में तो उसको मज़े ही आ रहे थे।
तो यस, हमारे चैनल को जो है वो 5 साल पूरे हो गए और हम ये सोच रहे थे कि चलो वीकेंड पे कुछ कर लेंगे, क्योंकि इस दिन का लग रहा था कि कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी भी बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी शाम तक। तो बट ये है कि चलो हो गया, सेम डे ही सेलिब्रेशन हो गया हमारा। फिर हम फटाफट रेडी हुए जबकि एक आया एंड आई वॉज लाइक कि चलो फीलिंग सो हैप्पी। यहाँ पे ईवी भी केक खा रही है अपने बर्थडे के बाद। आई थिंक उसने अभी केक खाया है, ध्यान नहीं मुझे कि इस बीच कुछ ऐसा हुआ क्या कि हमने केक खाया हो। और अदवी जो है दीदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, पहले जो है वो ईवी को खिला रही है, उसके बाद खाएगी। और यहाँ पे मैं अदवी के आपको बाल दिखा देती हूँ। तो दिस इज़ नेचुरल है उसके जो बाल, इसी तरह से वेव वाले के ऊपर से स्ट्रेट होके आते हैं, नीचे आके हल्के से कर्ल हो जाते हैं। और 3 लेयर्स है इसमें, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होंगी। और बिल्कुल ऐसे हैं ये बाल जिस तरह के मैं रखा करती थी। अब तो खैर थायराइड की वजह से बाल बहुत ही ज़्यादा मेरे ड्राई हो गए हैं, इवन दो आई फील के और भी ज़्यादा कर्ली हो गए हैं। पहले जो मेरे बाल हैं वो इसी तरह के थे। अगर आपने मेरे कॉलेज डेज के फोटोज़ देखे होंगे जब मैं इंडिया गई थी तब दिखाए थे, तो मे बी यू कैन रिलेट। और ये था मेरा आउटफिट। और जब तक मटक मटक के मैं ना दिखा दूँ तब तक जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। और ये जो गाउन है ये एवर का है, अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पार्कली ब्लैक कलर है ये, और बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला गाउन, बहुत ही कंफर्टेबल सा है और ये स्ट्रेचेबल है। यू वोंट बिलीव कि ये साइज 12 में मैंने लिया था और ये मुझे अभी तक भी फिट हो रहा है, अदरवाइज मुझे साइज 14 या 16 ऐसे आते हैं, बट ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है तो साइज 12 भी मुझे आ रहा था। और बस यहाँ पे जो है वो हमारा पिज्ज़ा भी आ गया है, तो आज जो है वो पार्टी हमारी होने वाली है। हालांकि मेरा प्लान कुछ और था, मैंने दिन में इतना खाना बना लिया था, शाम का मुझे ये था कि चलो इडली वगैरह कुछ ऐसे मैं बना दूंगी तो जल्दी ही काम हो जाएगा, बट केक भी आ गया, उसके बाद फिर पिज्ज़ा भी आ गया। तो एक मार्गरीटा ऑर्डर करा था, अभी वैसा ही खाती है, और एक ये वेजी डिलाइट, और ये ज़्यादा ही आ गया था, फिर काफ़ी इसमें से बच गया था बिकॉज मैं डिनर करती नहीं हूँ, अगर करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है मुझे, तो मैं बहुत हल्का फुल्का सा कुछ, कभी स्टर फ्राई ले लिया, दूध ले लिया, शायद मैंने पहले भी बताया। तो केक खा लिया था आज, और फिर बस एक ही स्लाइस जो है वो मुझसे खाई गई। खा लेती मैं और भी स्वाद स्वाद में, बट फिर मुझे ही परेशानी होती, तो अपने आप को रोक के जो है बहुत कंट्रोल करके एक ही स्लाइस खाई, तो काफ़ी सारा पिज्ज़ा जो है वो बच गया था। तो अदवी वॉज़ वेरी हैप्पी कि नेक्स्ट डे जो है वो फिर दोबारा से उसको वॉर्म करके दिया जाएगा। तो यस, यहाँ पे विकास जो है वो भी आपको हाय हेलो बोल रहे थे और वो भी रेडी होके आए थे। और ये वाली वो शर्ट है जो हम लोग मैटलैंड से लेकर आए थे, शायद मैंने बताया था कि विकास ने एक शर्ट ली है, तो ये ब्लू कलर की शर्ट थी जो वो लेकर आए थे और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तो यस, बस यहाँ पे हम लोग पिज्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। ईवी जो है वो भी अपनी हाई चेयर में, उसको भी छोटे छोटे हमने पीसेस दे दिए थे पिज्ज़ा के। और यहाँ पे ये देखिए सारा पिज्ज़ा जो है वो बच गया है, इसको मैंने इस तरह से, ये पायरेक्स की डिश है मेरे पास, इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया है। और इस तरह से रेक्टेंगल होना, तो आप साइड बाई साइड लगाएं तो पिज्ज़ा जो है वो बहुत आराम से अकोमोडेट हो जाता है। घूम घूम के दिखाएंगे। और ये ईवी का सिग्नेचर स्टाइल है, एक पैर में सॉक्स और एक पैर में नहीं, कितनी पहना लो एक पैर के निकाल के रख देगी। नहीं कुछ नहीं गिरा, नहीं कुछ नहीं हुआ, इतना तो चलता रहता, ऐसे ऐसे गिर गया था मेरा भी इतना। हाँ बच उठ जा, चलो गुड गर्ल। Let's try again. Huh? Try again. Yes, try again. Yay! Okay. Okay. Huh? Let's try again. Huh? What is this? Evie? Evie, 3, 1, 2, and
नींद आ रही है फिर से। थ्री अच्छा नीचे उतर जाएगी वो थ्री कहते ही तो। एशो ना इधर आ। हेलो वंस अगेन। तो हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया है, 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। वैसे तो बस अभी रैप अप करने ही लग रहे थे, बट देन आई थॉट के नहीं फेस टू फेस बात करके आप लोगों को पर्सनली विश कर दे। जो हमारा ये साथ है ये 5 साल पुराना हो गया है और अभी बहुत आगे तक जाने वाला है। आपने बहुत प्यार दिया इन 5 सालों में, बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए इन 5 सालों में और हर टाइम आप लोग हमारे साथ ही रहे हैं। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था ना कि 5 साल में इतनी दूर तक हम इतनी लंबी प्लानिंग हमने की नहीं थी शुरू में, इतना लंबा जाएंगे हम। प्लानिंग तो थी ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब सोच रहे हैं कि हम बहुत लंबा जाएंगे। बिल्कुल। अभी आगे बहुत जाना है, बहुत। और बैठे इसलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि जब ये वीडियो जाएगी तो आप लोगों की बहुत सारे विषय आएंगी और हर एक कमेंट को इंडिविजुअली रिप्लाई करना और वही सेम चीजें अलग अलग बार बार लिखना, तो हम सोच रहे हैं कि इसी में आपकी जो पहले ही हम थैंक यू जो है वो इंक्लूड कर। बड़ा सा थैंक यू दिल से आप लोगों के लिए। कोशिश तो करूंगी पूरी पूरी कि सबको ही रिप्लाई कर दे, बट इन केस अगर मिस हो जाए तो प्लीज ये पर्सनल व्यक्तिगत थैंक यू जो है ये आप स्वीकार कर। थैंक यू जो है वो एडवांस में बोल रहे हैं, इससे पहले में पता है कि वो तो आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग हमेशा जो है वो बहुत साथ देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। सो यस, और आज का जो ये सेलिब्रेशन था ना, एक्चुअली ये भी अनप्लान्ड ही था। बिल्कुल कहीं से कहीं तक कुछ सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि इट वॉज सच अ बिजी डे। आई वॉज वर्किंग एज वेल, विकास वॉज वर्किंग एज वेल, और वो बैक टू बैक मीटिंग्स, ये सारी चीजें चल रही थी, तो था नहीं कुछ भी। मैंने दोपहर इसीलिए दाल भी एक्स्ट्रा बनाई थी कि शाम को बस मैं इडली बना लूंगी क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि वो जो केक शॉप है वो पास में ही है, वहां पे रेडी टू केक मिल जाता है कि जाओ और बस उठा लो, जो उठा लो, ऑर्डर नहीं करना, ऑर्डर नहीं करना होता, तो वो हमेशा रेडीमेड रखते हैं अपने में। बिल्कुल, ज्यादा बिग साइज का आपको चाहिए तो फिर वो ऑर्डर करो, बट नॉर्मल साइज के जो है वो मिल ही जाते हैं, अपना वहीं उस पे लिखवा लो जो भी लिखवाना है। तो 2 पाउंड का तो वहां पे रहता है कि 2 पाउंड जो वेट है, मतलब इतना तो रेडीमेड मिलता है। 2 पाउंड? अच्छा वेट। ओ मैं सोच रही 2 पाउंड का केक कैसे आ गया, तो कमाल ही हो गया, देखो तो 22 का आता था 2 पाउंड। ओके वेट भाई, हम फुट पाउंड सिस्टम नहीं पढ़ के, हम तो किलोग्राम पढ़ के आए हैं। बट हाँ, केक जो है बहुत जगह पौंड में ही, पाउंड पाउंड पौंड बोलते थे 2 पाउंड का केक पहले तो वो इतना तो मतलब रेडीमेड मिलता है। ओके तो घबराई गई थी यार, शॉप भी पास में ही है तो ज्यादा टाइम लगा नहीं। तो यस, और उसके बाद फिर अदवी से पूछो कि क्या खाना है, तो उसके लिए पार्टी का मतलब सिर्फ पिज्जा होता है, तो उसको पिज्जा पसंद है। और फिर इंडियन खाना वी ऑलवेज प्रेफर के हम घर पे ही बना के खाएं, बाहर का जब हमें वो टेस्ट इतना समझ में आता नहीं, तो बाहर का खाना मंगाते हैं भाई। एक तो हमारा दिक्कत है कि मंगाए क्या, हाँ, दाल और छोले बाहर से मंगाओगे तो फील नहीं आती। और फिर बचा एक पनीर, और पनीर का पता नहीं अलग अलग क्या क्या हॉरिबल, मतलब हम शाही पनीर मंगाते हैं वहां से कुछ और आता है बन पता के वो। नहीं, बाहर की जितनी भी ग्रेवी होती है बहुत मीठी मीठी सी होती है, और हमारा टेस्ट ऐसा है नहीं कि हमें वो इतना मीठा मीठा सब पसंद आए, तो जितनी बार भी पनीर हमने ऑर्डर करा है या बाहर जाके खाया तो वो टेस्ट हमें कुछ अलग ही लगा है, मतलब वो हमारा सेट नहीं हुआ। एक और भी तो है ना, मतलब मंगाना पड़ता है क्योंकि बाहर जाकर खाने का तो हमारा ऑप्शन अब है नहीं, ईवी जिंदाबाद वो कुछ नहीं खाने देगी किसी को भी, तो वहां बैठना हो तो इसलिए ऑप्शन तो मंगाने का ही था। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा ना, ऐसा मंगाओ कि जिससे हम सब जो है बच्चे भी खुश होकर खा सके, हम भी अपना। ईवी को भी हमने पिज्जा की जो छोटी छोटी सी बाइट करके दी, शी एंजॉयड एज वेल, तो उसने भी पिज्जा खाया और अद्वी का तो फेवरेट है, केक भी खाया उसने। हाँ केक भी खाया, इवन अद्वी ने खिलाया उसको केक, तो शी एंजॉयड। और उसको केक का ना ऐसा हो रहा था, जब जैसे केक सामने रखा उसको अपना केक स्मैश याद आ रहा था। ऐसे मैं उसको पकड़ के बैठी हुई थी, शी वॉज लाइक कि बस अभी मैं इसको ऐसे कर दू केक को। पैर तुम्हारा बिजनेस है, कोशिश तो करी है, कोशिश करी पूरी कि किसी तरीके से हो जाए, बट वो ही ना हाथ पकड़े तो वो पैर चलाने शुरू कर दिए। खैर चलिए, तो ऐसा रहा हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन, और प्लीज हमारी तरफ से आप भी अपना मुंह मीठा कर लेना। काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिससे मैं आप लोगों को खिला सकती, कभी भगवान ने चाहा पर्सनली मिलेंगे आप सबसे, तो ऑफकोर्स मुंह मीठा करेंगे, पार्टी करेंगे,
लेट्स सी कब वो दिन आता है। बस यही आप लोगों से है कि जिस तरह से अब तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्यार करते रहना। सोच रही थी मैं, आई थिंक आपको याद भी होगा, 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो में अपील भी करी थी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम आ रहे, क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर्स वीडियोज ज्यादा देखते हैं, बट एनी हाउ दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। इंडिविजुअल चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो इसीलिए मैंने अपील करी थी कि भाई सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियोस पसंद आती हैं। तो सोच रही थी कि 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो शायद 500K भी कंप्लीट हो जाएंगे, हुए नहीं, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएंगे, होने ही है, आज नहीं होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, इस साल नहीं होंगे, अगले साल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस ये है कि आप लोग सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना, दैट्स मोर देन एनफ, हम ऐसे मिलते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बस यही थी आज की वीडियो, काफी लेट हो गया, बच्चे सो गए हैं और बस अब हम भी चलते हैं, सो जाते हैं क्योंकि सुबह से फिर रेल बननी है हमारी। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, टिल देन यू गाइस Take care, and I'm sending lots and no, we are sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care, and bye bye. Good night.